देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा निंदनीय जो है एक स्टेटमेंट जो है दो दिन पहले दी है, जिसके अंदर उन्होंने सेना को आतंकवादियों से मिला हुआ कहा और ये हमारे मरवाने का काम कर रही। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है उन्होंने एक सभा के अंदर दी है, जो देश का हर नागरिक इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देश के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और सभी की मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सेना से माफी मांगे। और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, जो सेना के लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है उसको मिन धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जो है वो सरकार करे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेना के ऊपर जो है वो टीका टिप्पणी की है। इससे पहले भी 1996 के इलेक्शन को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सेना के ऊपर टीका टिप्पणी कर चुके हैं, तब भी हमने इसको सावधान किया था और कहा था कि आज के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम न करें। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि उनका जो है वो दिमागी कड़ी निंदा करते हैं, जो इन्होंने ये अपना फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो जो इंडियन आर्मी के लिए जो अशब्द कहे हैं, तो जो इंडियन आर्मी हमारे हिंदुस्तान के लिए इतनी शहादत दे रही है, जो इतने हर जगह पे वहां पे अपनी सुरक्षा उन्होंने कड़ी की हुई है और इतनी शर्मनाक घटना है ये, और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो इनके लिए बहुत बड़ा सलाम आने वाला है। और आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जब भी कहीं विरोध में, चाहे वो सरकार के विरोध में हो, देश के विरोध में, खाना इनको यहां का है, हिंदुस्तान का है, सुरक्षा इनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन जो जब भी है वो बोलेंगे पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी ने भी काफी देर वो सीएम रहे जम्मू कश्मीर के, तो उस वक्त भी मिलिटेंसी होती थी। तो आज अगर बीजेपी की हुकूमत है तो इस वक्त तो वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का राज है, तो अगर पुलिस और मिलिट्री ने अगर ऐसी बात करनी होती तो पहले ही इसका मतलब इनके वक्त भी ऐसी बात होती थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ये इन्होंने गलत बयान दिया हुआ है, ऐसी कोई मिलिट्री और पुलिस ऐसा इस वक्त कोई गलत काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी काम इस वक्त हो रहा है वो पुलिस वाले अपनी जाने भी गवाह कर रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं, मिलिट्री वाले को भी कितने लोगों की जाने गई है। इसका मतलब वो अगर जानबूझ के अगर ऐसी हरकत करें तो वो अपनी जान ऐसे को गवा देता है, अपनी फैमिली को छोड़कर वो बेचारे जंगलों में भटक रहे हैं, मिलिटेंटों को ढूंढ रहे हैं और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो ये चीज गलत है, ऐसा बयान इनको नहीं देना चाहिए। घड़ी घड़ी ये बोलते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जब भी कोई मिलिटेंट मिलता है पाकिस्तान से आता है, कुछ हमारे बीच में जयाचंद बैठे हुए हैं वो भी उनकी मदद करते हैं, तो इसलिए मैं फारूक अब्दुल्ला जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ऐसे बयान मत दें और हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो एकता है उसको बाहर रखे, उसको बाहर रखने में हमारे लोगों की मदद करें। निंदनीय बयान है, भारत की सेना पर उंगली उठाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हम सरकार से चाहते हैं इस पर FIR होनी चाहिए। जो वीर जवान हमारी सुरक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन पर उंगली उठाना यह कौन सी बात हो गई? जम्मू में कुछ जयचंद हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं अपने मतलब के लिए, अगर आज फौज है तो हम हैं। डोडा में देख लीजिए, भद्रवाह में देख लीजिए, किश्तवाड़ में देख लीजिए, जिस जवान का भाई, जो जवान हमारे के लिए कुर्बान होता है, उसके मां बाप से पूछना, उसके भाई बहन से पूछना। उंगली उठाना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है। जो हमारी सुरक्षा करते हैं ना, उनके लिए हम भी कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं।